सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार एक कुम्हार गधा लेकर साथ जाता था, उस पे मिट्टी ढोता था, कहीं काम चल रहा था। तो दोपहर में जब एक घंटे का लंच होता था तो उस गधे को वो रस्सी से एक पेड़ में बांध देता था और भोजन वोजन करके विश्राम करके एक घंटे बाद फिर जो है दोबारा काम पे लग जाता था। एक दिन क्या हुआ, 1 बजे जैसे ही वो गधे को बांधने चला, उसने देखा कि मैं रस्सी तो लेकर आया ही नहीं, इसको बांधूंगा कैसे। बड़ा परेशान, 10-15 मिनट का समय बीत गया, बोले 2 तो ऐसे ही बच जाएंगे, आज तो लग रहा है भोजन भी नहीं मिलेगा। पास से एक संत गुजर रहे थे, जब किसी समस्या का समाधान ना हो ना तो संतों के पास चले जाना। ऐसी संसार की कोई समस्या नहीं है जिसका निवारण संत लोग ना करा सके। संत ने पूछा, क्या बात है भैया, बड़े परेशान लग रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज ऐसी ऐसी बात है, मैं इस गधे को रोज 1 घंटे बांध देता हूं नहीं तो भाग जाएगा, आज तो मैं रस्सी ही नहीं लाया तो क्या करूं। संत ने कहा, कैसे बांधते हो। बोले ऐसे गले में डालता हूं और ऐसे पेड़ में लपेट देता हूं। संत ने कहा, जरा इसके गले में हाथ फिराओ और ऐसी एक्टिंग करो जैसे आप इसे रोज बांधते हो। उस व्यक्ति ने गले में हाथ करा और पेड़ के पास घुमा दिया और वहां से चला गया। अब गधे को लगा कि मैं बंध गया हूं, इसलिए तो उसे गधा कहा जाता है। कोई आदमी मूर्खता का काम करे तो उसके पिताजी उसको कहते हैं, बिल्कुल गधा है क्या। क्यों कहा जाता है, क्योंकि गधे के पास बुद्धि थोड़ी कम होती है, होती तो है पर कम होती है। अब 2 बज गए, 2 बजने के बाद वो व्यक्ति भोजन वोजन करके आया और उसको हांकने लगा, चलो फिर काम पे लगो। वो चले ही ना, डंडा उठा लाया, डंडा बजाने लगा, फिर भी वो वहां से नहीं हिले। फिर संत लौट रहे थे, बोले क्या हुआ, अब क्यों मार रहा है इसे। बोले पहले तो रुक नहीं रहा था, अब ये जा नहीं रहा है। बोले तुमने खोला इसको। बोले मैंने बांधा ही कब था। बोले तुझे ही तो पता है नहीं बांधा, इसको तो यही लग रहा है कि मैंने बांधा था। बोले फिर ऐसी एक्टिंग करो जैसे खोला जाता है। उस व्यक्ति ने ऐसे ही किया, पेड़ में हाथ घुमाया, गले में घुमाया, गधे को लगा मैं खुल गया और वो चल पड़ा। वो गधा और कोई नहीं है, आज के कलयुग का कौन है, कौन है, मनुष्य, चाहे वो कोई भी है। कि हम किसी भी बंधन में ना बंधे होने के बाद भी स्वयं को बंधा हुआ महसूस करते हैं। और जीवन में बहुत से मौके आते हैं जब वो कुम्हार हमें हांकने की कोशिश करता है, चलो यहां से। कुम्हार अर्थात आप किसी संत के सानिध्य में, किसी कथा में या किसी सत्संगी व्यक्ति के सानिध्य में जब जाते हैं तब आपको अवसर मिलता है वहां से चलने का। लेकिन हम बंधे ना होने के बाद भी खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं और उसके लाख डंडे बजाने के बाद, लाख समझाने के बाद भी हम वहां से अपनी यात्रा नहीं प्रारंभ करते। आज बहुत अच्छा सत्संग आज के प्रमुख यजमान श्री उधम जी से चल रहा था मेरा सुबह, तो उन्होंने यही कहा कि जैसे ही मैंने बिटिया का विवाह किया, गुरुदेव ने कहा कि अब आ जाओ सब कुछ छोड़कर आश्रम पे। अरे मैंने कहा अभी कहाँ, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, ये है वो है। कह रहे अब उस दिन की बात को आज की बात से टैली करता हूं तो समझ में आता है कि अगर उस दिन चला गया होता तो आज मेरे जीवन की स्थिति क्या होती। तो इस प्रकार से अवसर तो हमें जीवन में बहुत मिलते हैं बंधन से मुक्त होने के, लेकिन हम मुक्त होना ही नहीं चाहते। तो फिर मुक्त कैसे हुआ जाए। मुक्त होने का फिर एक बहुत सरल साधन है, निरंतर भगवान की कथाएं श्रवण करो, भागवत जी श्रवण करो। ये भागवत जी में ही सामर्थ है कि तुम्हारे बंधे हुए मन को नाना जंजालों में से सुलझाकर अपने आप परमात्मा के श्री चरणों में बांध सकती है।
अन्यथा इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको इस बंधन से मुक्त कर सके, क्योंकि मन जो है वो भागेगा जरूर, ये मन का स्वभाव है।